अस्सलाम वालेकुम। उस क्रिकेट जुनून में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट पर इन दिनों को अच्छा वक्त नहीं है, बड़ी मुश्किलात हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये शायद इसी वक्त के लिए कहा गया है कि मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अल्लाह करे कि ये आसान हो, पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले दिनों में तरक्की करे और जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ की, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर क्रिकेट के जो हालात हैं जिनमें कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, हम तनाजली की तरफ हैं। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में जब हम बात करते हैं अपनी आलमी दर्जाबंदी की, उसमें भी नीचे हैं। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि इसको रीजनल होना चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि इसको डिपार्टमेंट साथ चलाने चाहिए, तो मजमूई तौर पर इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। बातें भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सुनने को नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा इंतजामिया के ऊपर यकीनन बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में अच्छे फैसले करके, बेहतर फैसले करके, अच्छे लोगों को लगाकर और मेरिट पर लोगों को लगाकर वो काम ज़रूर कर जाए जिसकी कौम उनसे तवक्को कर रही है और जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी भी है। इन सारी चीज़ों को साथ अगर हम लेकर चलते हैं तो एक एडिशन पाकिस्तान के क्रिकेट में हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके जो दुबई में खेले गए मैचेस, शारजा में खेले गए, आम लोगों के जहन में ये नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। जिस तरह से क्राउड आया दुबई में और शारजा में वो हैरान कन था और ये पाकिस्तानियों की मोहब्बत थी अपने खेल के साथ, जो शारजा और दुबई के स्टेडियम भी उन्होंने भर दिए। तो ये क्रिकेट का एक पैशन है जो आपको दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी मिलेगा वो क्रिकेट से ज़रूर मोहब्बत करता हुआ नज़र आएगा। तो इस पैशन को इस्तेमाल करना है, इस जुनून को इस्तेमाल करना है और इसे दुरुस्त सम्त में आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या बेहतरी हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, ये जो एक नई चीज़ आई है पाकिस्तान सुपर लीग, इसका मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे फ़ायदा हो सकता है, पहले एडिशन में क्या ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आने वाले बरसों में हम उसको करके इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान की यूथ को पाकिस्तान सुपर लीग का क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के रीजनल कोचेस को पाकिस्तान सुपर लीग का क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग का क्या फ़ायदा होगा और जो लोग इस लीग से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टीमें खरीदी हैं और भारी मुआवजा, भारी सरमाया इसके ऊपर खर्च किया है, उनको इस लीग से क्या फ़ायदा होगा और क्या वाकई पहले एडिशन के बाद भी जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उतने ही पुरउम्मीद हैं कि आने वाले बरसों में ये इससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट मिलेगी और उनको जो वो सरमाया खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, तो उसका अभी उनको उससे भी फ़ायदा हासिल होगा। इन तमाम मौजूदात पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं लाहौर कलंदर्स के फ्रेंचाइज ऑनर फवाद राना। अस्सलाम वालेकुम जी फवाद साहब। वालेकुम सलाम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी कभी यूँ लगता है कि क्रिस गेल के बाद आप दूसरी मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तान में, अगर हम PSL की बात करते हैं तो। ये मोहब्बत है। आप ये देखिए कि मेरा ख्याल था, मैं भी बहुत पैशनेट हूँ, आप लोगों ने देखा भी, हम सारे बहुत पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में। मेरा ख्याल था कि मैं हार गया हूँ तो मुझे बहुत लोग जो है ना मेरे पुतले जलाएंगे, आप ऑनेस्टली। अच्छा, लेकिन मेरा कसूर तो कोई नहीं था, तो लेकिन मुझे इतनी मोहब्बत मिली, इतनी मोहब्बत, अनबिलीवेबल, आदमी से उठा के एक आइकॉन बना दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये जो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो लाहौर के जिंदा दलाने लाहौर को मिली और जिससे हमारे बहुत से कलंदर शहीद हुए, मैं उसको मैं कंडेम करता हूँ। मैं उन शहदा के वर्षा से उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसात से महफूज रखे। और लाहौर जो कि मोहब्बतों का, सूफियों का, कलंदरों का शहर है, अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत करे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही आज अफसोसनाक बात है कि ये ऐसे हुआ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, वो उसकी वजह लाहौर का प्यार है और मैं विश करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मैं इसको लुटा सकूँ, मेरे जो उन्होंने मुझे मोहब्बत दी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो लाहौर से आपकी मोहब्बत ढकी छुपी तो रही नहीं है। मेरा ख्याल है कि गो के आपकी टीम पहले एडिशन में हारी है, लेकिन आपकी लाहौर के साथ मोहब्बत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, और वो प्रेशर आ गया ना, वो और प्रेशर आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ है कि मैं जब से PSL ख़त्म हुई है, मैं अपने कतर का जो मेरा बिजनेस है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट हो गया। अच्छा, और मैं इधर बैठा हूँ, मैं समीन के साथ, आतिफ के साथ, आप जैसे दोस्तों के साथ, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर के साथ,
जर्नलिस्ट के साथ मैं एक पूरा ड्यू डिजिलेंस कर रहा हूँ इस वक्त। हमने इंटरनली भी किया, हमने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, हमारे पैडी कोच पैडी उपटन ने रिपोर्ट बनाई है, उसकी रोशनी में मैं सबके पास जा रहा हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए कि मैं लाहौर को जीत दे सकूँ, कप दे सकूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने तो कप ले लिया हुआ था, मैं जीत चुका था। 200 रन बनाने के बाद अगर आप देखें तो मेरा, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। तो मैंने सोच लिया था कि कैसे लाहौर में हम सेलिब्रेट करेंगे, कैसे नारे लगाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। तो वो मैं, जब हम मैच हारे हैं तो फिर मैं बहुत दुखी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहला तजुर्बा था आपका, आपने कहा कि अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं यूँ महसूस होता है कि आइंदा बरस की तैयारियों में है। बिल्कुल, कि हमने आइंदा बरस क्या करना है, क्या चीज़ें क्या देख रहे हैं आपके, जब आप 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो क्या चीज़ें आपके, आपने करनी है जो फ़ौरन आपको करना पड़ेंगी अपनी टीम की साख को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए और मुकाबला करने के लिए आइंदा बरस PSL की दीगर टीमों का? देखिए, आपने शुरू में मुझे बताया कि आप भी बहुत पैशनेट क्रिकेटर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के साथ हैं, मैं भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ, मैं कतर में भी काम करता हूँ, वहाँ पर भी मेरी क्रिकेट की एक छोटी टीम है, हम चैम्पियन हैं वहाँ पर सॉफ्टबॉल के। इसी तरह हम सारे कुछ ना कुछ करें, हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, लेकिन जो मैंने एक काम करना है, जो मेरा मिशन है, वो है मैंने स्टेटस को तोड़ना। मैंने वो काम, मैंने आगे जो मैं लेके चल रहा हूँ उसमें एक ही मेरा मिशन है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गए? अगर टैलेंट ख़त्म हो गया तो फिर तो मैं बोरिया बिस्तर बंद चला जाऊँ। जब टैलेंट है तो उस टैलेंट को ग्रुप क्यों नहीं किया जा रहा और उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं मुतय्यन की जा रही? फिर मेरे पास एक आर्गुमेंट ये होता है कि जो हीरा होता है वो भी कान से निकलता है, उसको तराशा जाता है। और उसकी मिसाल मैं आपको एक और दूँ कि मैंने एक सिर्फ, चूँकि हमारा एक ही प्लेयर नेशनल टीम में खेला है उमर अकमल, मैं उसके आपको मिसाल दूँ कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा उसने उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ब्रिलियंट उसके पास टैलेंट है। PSL में ही इज़ डिक्लेयर द बेस्ट बैट्समैन, ही इज़ डिक्लेयर द बेस्ट फील्डर, ही रन मोस्ट 50s। मैं 3 दफ़ा स्टेज पे गया उसका इनाम लेने के लिए। उसके फ़ौरन बाद एशियन होती है और वर्ल्ड कप होता है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों, इसकी क्या रीज़न है? ये मेरा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, ये मुझे समझ अभी आ रही आहिस्ता आहिस्ता। तो उसको, जो स्टेटस को तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूं और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा पेपर फ्रेमवर्क मैंने बनाया कि मैंने क्रिकेट को कैसे चलाना है, क्रिकेट ऑपरेशन को कैसे चलाना है, मैंने टैलेंट हंट कैसे करनी है, मैंने क्लब के साथ कैसे काम करना है, उसके बाद मैंने CSR कैसे करनी है, मैंने कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, क्योंकि वो कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन वो इधर भी नज़र आनी चाहिए। क्योंकि जब एक क्रिकेटर है वो एक पूरा इंसान है, उसका जो करेक्टर ग्राउंड से बाहर है वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो ग्राउंड से बाहर कन्फ्यूज्ड है तो वो ग्राउंड में भी कन्फ्यूज करेगा। ये मुश्किल काम है, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी को मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट करें, मैं समझता हूँ जो ग्राउंड्स हैं, हमारे ग्राउंड्स के ऊपर पत्थर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब 13-14 साल का बच्चा अब स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहा है, वो जंप नहीं लगा सकता क्योंकि, या कैच नहीं पकड़ सकता, डाइव कर सकता क्योंकि वो जख्मी हो जाएगा। तो जब वो 13 साल की उम्र में जंप नहीं लगा सकता तो वो 25 साल की उम्र में नहीं लगाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्राउंड साफ करूँगा। मैंने अपनी टीम को ये टारगेट दिया कि जी हम लाहौर में क्लीन ग्राउंड्स, क्लीन लाहौर, ग्रीन लाहौर, इस तरह का हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे। तो ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें मैं चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं लंबा रास्ता पकड़ा है, लेकिन यही रास्ता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं शॉर्टकट फिक्स करके इसको इधर करके इसको काट के उसको ले के उसको डाल के जीतूंगा। मैं शायद एक दफ़ा जीत भी जाऊंगा, लेकिन मैं इसको जीतना चाहता हूं फॉर लॉन्ग टाइम। मैं पाकिस्तान क्रिकेट को वसीम अकरम देना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली मियांदाद देना चाहता हूं, इंजमाम देना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाहिश है। मैं पता नहीं इसको कंप्लीट कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन इसके अलावा इमरान कोई रास्ता नहीं। यानी कि ये सफ़र आपने शुरू कर दिया है जहाँ से पाकिस्तान को हीरोज़ मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये सफ़र शुरू कर दिया है, इसमें मुश्किलात भी यकीनन बहुत ज़्यादा आएंगी। बिल्कुल, आपने अगर टैलेंट हंट करना है, आपने क्लब क्रिकेट को देखना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना है, आपने अपने आइंदा साल के प्लेयर्स को अभी से
उनको शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर देना या उनके ऊपर निगाह रखना शुरू कर देनी है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आप उसके लिए देख रहे हैं कि एक मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर कलंदर्स का ऑफिस हो, उसका स्टाफ हो, और पूरा ना सिर्फ ये ना हो कि PSL से एक महीना पहले सब इकट्ठे हों और PSL के 3 दिन बाद सर फिर बिखर बुखर जाएं और अपने अपने कामों में लग जाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विदाउट टूल्स, विदाउट प्रेपरेशन मैं कैसे रात को उठ के कहूँगा कि ये टीम बन गई। आपको मैं इन्वाइट करूँगा अगले मे बी 5-7 वीक्स के अंदर, आप लाहौर कलंदर का पूरा हेडक्वार्टर देखें, जिसके अंदर क्रिकेट ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर उसके अंदर बाकी चीज़ें होंगी। हम उसके बस सिर्फ ये क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिकेट हम आइसोलेशन में देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि ये माशरे के साथ जुड़ी हुई है। ये तो बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है कि जब तक जो भूले हुए हैं, जो भूले हुए हैं, जो फिलोसफी है इस गेम की वो यही है कि वो जो हमारे 60s के 50s के क्रिकेटर, नामवर क्रिकेटर गुजरे हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि जिस इंसान के ऊपर क्रिकेट ने अपना असर नहीं डाला वो क्रिकेटर ही नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की, ह्यूमैनिटी जो सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो यह है कि कलंदर नाम क्यों है? आप तो ये मुझसे क्वेश्चन करें फवाद, ये तूने कलंदर क्यों रखा है? अच्छा, वैसे एक कथा कलामी की मादल, लोग कहते हैं जी जब आपने कलंदर नाम रखा तो कलंदर का तो काम है सब कुछ बांट देना। बिल्कुल सही है, तो आपकी टीम ने सारी फतेह बांट दी दूसरों को। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन ये है कि हमने ये क्यों नहीं रखा सिडनी थंडर या डेवल्स या यू नो लॉयन एंड किंग एंड वट एवर इट इज़ यू नो नॉम, बड़े बड़े नाम। ये कलंदर सेल्फलेस क्रीचर, कोई उसका अपने साथ यू नो ताल्लुक नहीं है। वो हजरत दादा गंज बख्श भी हो सकते हैं, बाबा बुल्लभ शाह भी हो सकते हैं, शाह हुसैन भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, ठीक है। वो कलंदर जिसकी मैं नहीं है, ऐसे ही है ना कलंदर, तो वही है ना कि बाबा बुल्लभ शाह ने कहा कि फुलां दा तू अतर बड़ा, अतरां दा फिर कट दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी। और इसी के साथ एक और भी है, उन्होंने कहा कि जो आपकी टीम पहले एडिशन में अच्छा नहीं खेल सकी, वो कहते हैं कि लोकी कहते दाल नहीं गलदी, असी तो पत्थर गलते वेखे। मेरा ख्याल ये अगले साल जरूर गलेंगे। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर फवाद साहब से मजीद बातें करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और फवाद राणा साहब जो कि लाहौर कलंदर्स की टीम के मालिक भी हैं, सबसे महंगी टीम इनकी रही पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन में और सबसे ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा भी इन्हीं की टीम ने किया। ये दो इंतहाएँ हैं, एक तरफ आप माली लिहाज से सबसे ऊपर नज़र आती हैं और दूसरी तरफ कारकर्दगी के एतबार से आप सबसे नीचे नज़र आते हैं। जो आपने फ्यूचर प्लान्स हैं उनके ऊपर भी हम आगे बात करते हैं। ये किस तरह से हज़म हुआ है आपको कि आप मतलब PSL की सबसे महंगी टीम है और जब पॉइंट्स टेबल पे जाते हैं या फिर कारकर्दगी के हिसाब से जाते हैं तो आप उस जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पे कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इतनी महंगी टीम, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और इवेंट के अख्ताम पर नतायज तवक्कोआत के बरक्स। ये कलंदर का कॉन्सेप्ट हजरत इलामा इकबाल ने दिया है, 1000 खौफ हो लेकिन जबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। मुझे कोई खौफ नहीं है, आप ये देखें अभी भी कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं डर आदमी हूँ, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया कि मुझे खौफ इस चीज़ से है, अगर मैं इस चीज़ से खौफ ज़दा हो गया कि मैं हार जाऊँगा और मैं आगे नहीं चलूँगा तो ये खौफ की अलामत है। मैं कॉस्मेटिक चेंजेस करूँगा, मैं ऐसी चेंजेस करूँगा जो शायद मुझे जिता दें, लेकिन मैं वो नहीं करने आया यहाँ। मुझे अगर इमरान पैसे बनाने होते तो इस पैसे से मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की हाउसिंग स्कीम शुरू करता। अभी तक मेरे पास 2-4 गाड़ियाँ हो चुकी होती और मैं 3 गुना कमा चुका होता। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है इस काम के लिए, ये एक जज्बाती बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कमर्शियल भी आएगा। मुझे ये मालूम है कि पाकिस्तान का जो पैशन है वो क्रिकेट है, और जब ये पैशन ट्रांसलेट होगा इकोनॉमिक्स में तो ये भी कामयाब हो। ठीक है, इसने भी ट्रांसलेट होना है। इसने होना है। आप कन्विंस है कि ये होगा ट्रांसलेट? बिल्कुल कन्विंस, पैशन से उस फाइनेंस की तरफ जाएगा, बिल्कुल कमर्शियल की तरफ जाएगा। उसके लिए आपने खुद मुझसे पूछा कि सर जी आपकी सबसे खराब कारकर्दगी रही, आपने महंगी टीम खरीदी, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और आपका शुरुआत ये बात थी कि क्रिस गेल के बाद मैं सबसे ज्यादा मशहूर क्यों? 5 सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पोस्ट या आपकी हैं या क्रिस गेल की हैं?
नहीं, उसकी रीज़न आप मुझे निकाल दें, मेरी ज़ात को निकाल दें, सबसे बड़ा ब्रांड PSL में कौन सा है आप मुझे बताएं? गेल ही था जी। उसके बाद PSL का ब्रांड लाहौर कलंदर है, क्योंकि लाहौर कलंदर पे लोगों ने एक होप देखी है। हम गिरे नहीं हैं, हमने 200 रन्स किया, उसके बाद हम फिर खड़े हुए, हमने फिर इस्लामाबाद के खिलाफ 150 प्लस स्कोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू वॉज द मेजर फैक्टर। उसके बावजूद कि हमारे पास दो मेजर बॉलर नहीं आए, मुस्तफ़ीज़ आपने देखा नहीं आ सके बांग्लादेश से, यासर शाह बैन हो गए, ठीक है, उसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मुझे आपने कभी कंप्लेन करते देखा है कि यार हमारा मुस्तफ़ीज़ चला गया, यासर शाह नहीं आया, मेरे साथ ये हो गया? नहीं, मैंने उसी तरह लड़ा, मेरी टीम लड़ी, मेरे पूरे लोग लड़े, हम सब लड़े, क्योंकि हम जो लाहौरी हैं ना, हमारे दो मिजाज हैं, हमें कोई काम दे जाओ तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, काम हो गया हम जश्न मनाएंगे, नहीं हुआ हम थोड़ी देर गम मनाएंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं उस मोड में चला गया हूँ कि मैंने इस क्रिकेट को, PSL को एक ब्रांड बनाना इंटरनेशनली, मेरी ज़ात उसमें कोई हैसियत नहीं रखती। मैं, हमारी टीम, वी आर दी ओनली वन, जिसके बारे में आपने भी कहा, सब लोगों ने कहा, क्या PSL लाहौर कलंदर है? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जितनी एक्टिवेशन हमने की, यूनिवर्सिटियों में गए, कॉलेजेस में गए, हम सड़कों पे गए, हमने मोटरसाइकिल रेस की, बाइक किया, क्यों किया? इसलिए कि हमने कहा कि ये कामयाब PSL होगी तो पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, आई नीड द बेस्ट, बाकी 5 फ्रेंचाइज का क्या है, हैट्स ऑफ टू देम। मैं चारों फ्रेंचाइज के बाकी जो है, नदीम उमर साहब हों, जावेद साहब हों, सलमान हों, नकवी साहब हों, हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इसको लिया, और अब ये है कि अब आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया। कल आप एक बच्चा आता है, वो 150 पे या 100 माइल्स और पर आवर्स पे एक बॉल करता है, आप उसको पिक करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, उसको हम पिक करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, जब वो परफॉर्म कर जाएगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उसको कैसे रिजेक्ट कर सकती है? शर्जील को लिया तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट PSL से ही ठीक होगी, उसके अंदर ही ये ठीक होगा, लड़के निकलेंगे, ऊपर आएंगे, कम्पेटिटिवनेस आएगी, और इंशाल्लाह। अच्छा, दो तीन चीज़ें फवाद साहब, आपने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटी आपने की, आपने कॉलेजेस में गए, तालीमी इदारों में सब में गए, उसके अलावा हल्का फुल्का जो भी आप कर सकते थे वो करते रहे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इससे तो क्रिकेट नहीं होनी, क्रिकेट तो मैदान में खेली जानी है, वो वाली कोई एक्टिविटी उस मखसूस वक्त में या महदूद वक्त में नज़र नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। आपने बाइक पे, आपने एक रैली कर ली, आपने एक फन मैच कर लिया, आपने एक कॉन्सर्ट कर लिया, सब चीज़ें कर ली, लेकिन क्रिकेट नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आपने प्रिंट मीडिया को कभी मेरे वक्तों में जब मैं करता था तो अभी भी एक फ्रंट पेज पे एक ब्लैंक पेज आता है, एक क्वार्टर पेज, उसके बाद अगले हफ्ते उस पर क्वेश्चन मार्क आता है, उसके बाद उसके ऊपर एक पिक्चर आती है, आपका सजेसस पैदा होता है ये क्या होने लगा है, ठीक है, सडनली आप देखते हैं कि एक ब्रांड डेवलप हुआ। ब्रांड जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों PSL कामयाब हुई है? ठीक है, क्रिकेट तो मैं नहीं सिखा सकता ना, मैं उमर अकमल को क्रिकेट तो नहीं सिखा सकता, ठीक है, मुझे मिली कब है? दिसंबर में मिली है, ठीक है, मेरे पास कितना टाइम था? 1.5 महीना। मेरा उसमें मैं क्या करता? मैं ये कर सकता था कि मैं ब्रांड स्टैब्लिश करूँ, मैं ब्रांड का आदमी, मुझे ये पता है कि दुनिया के अंदर हजारों कोलाज निकली, लेकिन कोई कोका कोला पेप्सी को नहीं मार सका, दुनिया के अंदर हजारों चीजें आई। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर अमेरिका ही ब्रांड्स क्यों बनाता है? आप गूगल लेते हैं, आप एप्पल लेते हैं, आप कोका कोला लेते हैं, मैकडोनल्ड क्या बर्गर है ना, हम ज्यादा बेहतर बर्गर बनाते हैं, लेकिन आप क्यों उसमें लाइनों पर लग के बर्गर खाते हैं? इसलिए कि वो ब्रांड है। तो हमने ब्रांड बनाया, हमने लाहौर कलंदर को ब्रांड बनाया, उस ब्रांड की वजह से लोग हमारे साथ जुड़े और उस ब्रांड ही की वजह से लोग आगे चलेंगे। तो वो एक्टिविटी अब आपको नजर आएगी, क्योंकि मैं, मतलब मुझे पता है, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ कि मैं 4 दिन में मैच नहीं करा सकता, मुझे तैयारी चाहिए। क्रिकेट एक, मतलब कॉस्मेटिक नहीं करनी है, नहीं करनी, प्लानिंग के साथ करनी है। एब्सोल्यूट, भले उसमें 2 माह 3 माह 6 माह लग जाए, लेकिन प्लानिंग होगी और बतदरीज और मरहलावार चीजें आगे चलेंगी, ये मतलब ओवरनाइट चेंज नहीं है। मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता। और मैं दूसरा भी, और भी मैं आपको बता दूं, मैं किसी को डराने धमकाने नहीं आया, मैंने किसी की ग्राउंड पे कब्जा नहीं करना, मुझे कोई PCB को मैंने उस पर PCB में नहीं जाना, मैंने किसी लाहौर क्रिकेट, मुझे नहीं उनसे गरज,
ये मैंने किसी के डोमेन में जाना ही नहीं है। जब हमें लड़के मिलेंगे, जब हमें खुशी मिलेगी, मैं मोहब्बत बांटने आया, मैं खुशी बांटने आया और इकोनॉमिकली वायबल करने आया हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर वायबिलिटी है। मेरे साथ आप तो लोग पाकिस्तान में है ना, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है, 6-7 मिलियन लोग हैं, मुझे बहुत मोहब्बत उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम पाकिस्तान जाते थे, लैंड खरीदते थे और आ जाते थे, तूने हमें एक रास्ता दिया है कि यार नहीं, स्पोर्ट्स भी एक चीज़ है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शायद कोई और आदमी आए वो किसी और एवेन्यू में को आके खोल दे। तो ये एक बड़ा एक जो है ना उसका होराइजन है। ठीक है जी, ये बस अच्छा, क्रिकेट एक्टिविटी में आपने अब तक क्या प्लान किया है? एक तो आपने टैलेंट हंट कहा है, वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे नज़र आपने कैसे रखनी है? कुछ अगर आपने प्लान किया है, अगर आपने ये प्लान किया है कि पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट को थोड़ा सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपने अभी तक कोई पेपर वर्क अगर किया हो, पाकिस्तान की जो रीजनल क्रिकेट है उसमें अगर आपने कुछ चीज़ें अभी तक आइडेंटिफाई की हों कि हम इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को, अगर चूंकि आप लाहौर से हैं, लाहौर रीजन के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है इस हवाले से कि एक आपका लायजन बने, अच्छा आप दोनों मिलकर लाहौर, वो भी लाहौर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, लाहौर कलंदर्स आपके पास है, तो इस किस्म की कुछ चीज़ें हुई हैं अब तक? बिल्कुल हुई हैं। मैं सबसे पहले तो मैंने स्ट्रक्चर को मैं समझ रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं बुनियाद समझूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ पास भी गया, मोहम्मद अकरम के पास, ये कोच रहे हैं बड़ी देर तक, ठीक है, मैंने आकिब से बहुत डिटेल बात की और मल्टीपल मीटिंग की है, क्योंकि आकिब कोच रहे हैं, एनसीए के डायरेक्टर भी रहे हैं, हेड कोच, वहाँ पर पाकिस्तान टीम के साथ भी काम किया है, पाकिस्तान के 19 टीम के साथ भी आकिब ने काम किया है। जी बिल्कुल, इन लोगों से मिला, फिर यहाँ पर कोई प्राइवेट अकेडमीज हैं उनके पास गया, समझा कि ये इसको ये कैसे होगा। लाहौर रीजन के जो हैं उनसे भी मैंने रابطہ कायम किया, मेरी मीटिंग नहीं हो सकी उनसे, मैं फिर अभी इंशाल्लाह मिल के जाऊँगा। तो ये मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एरियाज हैं, मैंने कोलैबोरेट करना है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है, मुझे मैंने किसी को थ्रेट नहीं करना, मैंने जो मुझसे मिल सकता है, जो मुझे देगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो सोचेगा मेरा उसके साथ कोलैबोरेशन है, जो भी करे और जिस रोल में मुझे कहेगा कि जी आप इधर आ जाएं, आप ये रोल करें, हम आपको दो बच्चे देंगे, दो नए लड़के देंगे, दो बॉलर देंगे, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, मैंने पीसीबी से, मैं मेरी शारजा साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें एक एग्जीबिशन मैचेस के लिए अलाउ करें, हमारे पास फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, लाहौर की, कराची की, पेशावर की, राइट, और उस फ़ैन फॉलोइंग को हम यूज़ करना चाहिए, बड़े प्लेयर आएँ या ना आएँ, हम इसको लाहौर में, लाहौर कराची का एक मैच करते हैं, 40,000 का स्टेडियम अच्छा, तो पेशावर ना थोड़ा सा चक्कर लगा लें, जरूर लगाएं। ये हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पेशावर जलमी के ओनर जावेद आफरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? हमारे साथ स्टूडियोज में फवाद राणा साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अच्छा खान साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग? इन दोनों खासा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं मुसलसल आईसीसी की रैंकिंग में भी, ख्वाब वो T20 है, ख्वाब वो ODIs है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, ये वाला जो एक सेटअप है, ये किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकता है? और नंबर दो, आप पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं पहले एडिशन के बाद? सबसे पहले तो आप लोगों का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मेरे ख्याल में इस पर बहुत ज्यादा कॉमेंट मुझे नहीं करना चाहिए जो हालात चल रहे हैं आजकल के, लेकिन हमें कुछ चीजें जो है वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, जो काफी लाजमी है, चाहे वो हम स्ट्रक्चर की बात करें या अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, कुछ ऐसे केस स्टडीज हमें लेके आना पड़ेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की उनकी हो, जो फॉर्मेट्स हैं उनकी, रेगुलर प्लेयर्स के हवाले से अगर हैं, तो कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं कि उनको अगर हम फॉलो करेंगे, अपने क्रिकेट को आगे बेहतरी की तरफ, अगर हमारी एक विजन है कि हमने वाकई बेहतर करना है, तो एक का दो सालों की प्लानिंग के साथ ये नहीं होगा, इसके लिए एक प्रॉपर विजन बनाना होगा, और प्लस ऑन टॉप ऑफ इट ये एक विजन जो है या वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एलिमेंट, वो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनको भी देना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको प्रॉपर एक तरजीह दें और इसको एज ए इंडस्ट्री लेके चलें। रही बात हमारी PSL के हवाले से, हमसे जो कुछ हो सका, फवाद भाई से, मुझसे, जितने भी हमारे और भाई थे, इस ओवरऑल प्रोसेस में बड़े एक तकरीबन कोई 48 दिन का बेबी हमें मिला,
उस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना और पूरे पाकिस्तान को वो दिखाना, ये मेरे ख्याल में अगर उस पर एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला जाए तो वो भी मुनासिब होगा कि सारे लोगों को एक दुनिया पाकिस्तान में इनको आगे पेश किया जाए कि भाई इन्होंने 48 दिन में क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं, जब भी चाहें, जिधर भी चाहें, जब भी जिस हवाले से भी हो, वी आर क्वाइट रेडी ऑन इट। और PSL के हवाले से वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम, और एक नेक्स्ट सिटिंग वेरी सून वी विल हैव अ वेरी गुड सिटिंग विद ईच अदर, जिसके लिए ना कि सिर्फ हमारी PSL की अंदरूनी एक्टिविटी हो बल्कि हम इसको फैलाना चाह रहे हैं कि हम ये पूरे पाकिस्तान में और बल्कि अपने टीमों को बाहर भी भेजें और वहाँ बाहर भी कम्पीट करें डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि एक फ्लैगशिप हमारी नजर आए। तो ये हमारी एम्बेसडर टीम बन सकती है दुनिया में, अपने तरफ खिलाड़ियों को लेके आना, पाकिस्तान में लेके आना। जब हमारी बात हुई PSL में पिशावर जलमी की बात हुई तो मैंने अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट की कि देखें जो भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आप लोग यहाँ से गए हैं, तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ गुड लाइजन, और एक अच्छा कॉन्टेक्ट आप अपने वो फॉरन प्लेयर्स के साथ रखें कि किसी भी कॉल पे आप इवन इफ यू वांट टू इनवाइट देम टू पाकिस्तान तो वो आपके एक एक कॉल पे वो पाकिस्तान आ सके। ठीक है, तो इवन इतना अच्छा माहौल रहा हमारे ओवरऑल, फवाद भाई भी अभी आपको बताएंगे कि विद ईच एंड एवरी वन, यानी जितने प्लेयर्स थे, जितने भी वो फॉरन आए हुए थे, PCB और PSL का, PSL में PSL मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। जो पेमेंट स्ट्रक्चर इनको हुई, पेमेंट इनको ऑन टाइम हुई, तो उससे ये सारे लोग बड़े खुश थे। ठीक है, अच्छा खान साहब, आपको लगता है कि अब दोबारा जब जो 48 दिन रह जाएंगे उसमें आप नजर आएंगे, या आप ये जो बाकी अब आपके पास पूरा एक साल बचा है उसमें भी कोई पिशावर जलमी की एक्टिविटी होगी और आप भी बकायदा तौर पर एक अलग सेक्रेटेरिएट अपना कायम कर रहे हैं पिशावर जलमी के हवाले से, या फिर वो आखिरी 2-3-4 हफ्ते काम करेंगे? जी मेरी जान, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटेरिएट भी हमने कायम कर दी है और हमने अपना पैनल भी बना लिया है लोकल, हमारा भी डोमेस्टिक कुछ दिनों में इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। पिशावर जलमी की चैंपियंस ट्रॉफी हम करवा रहे हैं अपने KPK के अंदर, और इसके अलावा हमारी 2-3 लीग के साथ, कैरेबियन प्रीमियर लीग के साथ, बिग बैश की टीमों के साथ और काउंटी में डिफरेंट टीमों के साथ हमारी नेगोशिएशन ऑलरेडी जारी है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ओनली कि भाई 48 डेज रह गए तो उसी के अंदर हमने काम करना है, काम करना है तो वाकई उसी तरीके से काम किया जाए कि एक ग्लोबल इमेज इसका क्रिएट हो। अच्छा, मजमू तौर पर रिस्पॉन्स कैसा रहा है और आप इसको फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान सुपर लीग आने वाले बरसों में कामयाब होती है तो यकीनन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तवक्कुआत भी बढ़ जाएंगी, तो आप कहाँ पर देख रहे हैं इसको? ओवरऑल अगर आप देखें, PSL स्टार्ट होने से पहले इनकी एक अलग पिक्चर थी, जब स्टार्ट हो गया फिर एक अलग पिक्चर थी, जब ये एंड हो गया तो तब एक अलग पिक्चर थी। तो वाकई उसके बाद अभी भी वो PSL का शाम जो है वो किसी से भूला नहीं, एंड एवरी वन वॉन्ट टू हैव सम फन ऑन इट। यानी ये क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, इट्स लाइक क्रिकेटेनमेंट एज वेल, तो इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें क्रिकेट भी है, इसको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, मिल बैठ के कर सकते हैं और काफी इसमें अपॉर्चुनिटी है। इससे, इस प्लेटफॉर्म से मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मुझे टैलेंट मिलेगा 15-20 दिनों के अंदर या एक महीने के अंदर, तो इट इज रॉन्ग। ये इस लिहाज से हमें नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इसको स्ट्रक्चराइज करके हम कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं कि हम अपनी पिशावर जलमी की या लाहौर कलंदर की, हम अपनी या कराची की हो या और हमारे साथी हैं, इनकी ए टीम बने और अंडर-19 टीम बने, बहुत बहुत ये पूल क्रिएट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको बड़ा एक अहम मौका है कि वो आगे आए, वो हमारा हाथ बढ़ाएं और हम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करें, जिसमें हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं और वो कुछ दिल्ली से आए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें, वो ना सिर्फ शबर जलमी या लाहौर कलंदर की बात उसमें हो रही। सो एवरी स्टेक होल्डर मस्ट कम इन अ वेरी ओपन हार्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद अफरीदी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक और वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फवाद राणा साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी, फवाद राणा हमारे साथ हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। राणा साहब, ड्यूरिंग PSL टीम हर मैच हार जाती थी आपकी, बाद अज मैच क्या तासुरात होते थे? आप जाते थे अपने प्लेयर्स के पास, बातचीत गपशप लगाते थे उनसे, या फिर आप कहते थे ठीक है जी वो उनका काम है, वो खेलते रहें, नतायज कुछ भी हो, अब ग्राउंड में तो प्लेयर्स ने खेलना है, तो अब मैं उनको अगर जाकर और ज़्यादा बातें करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है वो और नीचे गिर जाएँ, उनका एतमाद नीचे आ जाए और
मैं डेलीगेशन का आदमी हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट है PSL का, IGT का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स है, मैंने उसको बिल्कुल फॉलो किया। हमारी जब टीम हारी है, मेरी टीम मीटिंग में मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं आई एम नॉट अलाउड। कोच, मैनेजर एजाज भाई, यूनो शाहिद, ये बड़े मतलब सारे पाकिस्तान क्रिकेट के लोग हैं, अगर उसको ये इनका काम है उनको करने का, मेरा काम है सिर्फ मोटिवेशन करना, मेरा काम है लोगों को ये बताना कि भी ये होना है ऐसे ऐसे करना है, मैं उनको क्रिकेट नहीं सिखा सकता। तो मैंने इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं डाला, मैंने उनको पूरी अथॉरिटी दी, पूरी उनको मैनेजमेंट चलाने की दी और उन्होंने काम किया। आप ये सोचें कि हमारा फाइनल के बाद जब हम इस्लामाबाद से फाइनली हारे हैं, तो उस दिन मैं सारे लड़कों के साथ बैठा था क्योंकि वो जा रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि भी मेरे में क्या कुताही है, आप सब बोलें क्या बोलें। तो मैं सिर्फ आपको अजंता मेंडिस की मिसाल देना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं सर 3 वर्ल्ड कप हमारे हैं T20। उसने उसकी मुख्तलिफ मिसालें दी कि हम वेस्ट इंडीज से हारे, हारने के बाद हम आधे घंटे बाद हमने जश्न शुरू कर दिया, हम पाकिस्तान से हारे हमने जश्न शुरू कर दिया, इंडिया से हारे। उसने कहा मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आज वर्ल्ड कप हारा। तो इतनी कमिटमेंट थी लोगों की। क्रिस गेल ने मुझे ये कहा है, जो जावेद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इतने कनेक्ट हो गए हमारे साथ। क्रिस गेल ने मुझे कहा है कि तू जब मुझे पाकिस्तान बुलाएगा मैं आऊँगा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रिस गेल, ब्रावो, डेलपोर्ट, दे विल कम टू पाकिस्तान और इंशाल्लाह हम एक्टिवेशन करेंगे, हम यंग क्रिकेटर्स के साथ उनकी इंट्रैक्शन कराएंगे और आप ये देखेंगे सारा कुछ हम करेंगे ये, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त माहौल था हमारा। वो जो देख रहे हैं हम हार रहे हैं वो एक और इशू है, लेकिन टीम की मोरल, टीम बहुत जल थी, पर वो हम हार गए वो एक अकेला था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? सलमान इकबाल साहब ने एक मरतबा एक टीवी चैनल पर, वो भी थे मैं भी था, उन्होंने कहा जी कि हमें आखिरी वक्त में बहुत सारे प्लेयर्स के नाम वापस ले लिए बोर्ड ने कि ये अवेलेबल नहीं है और कुछ फाइनेंसिस के इशूज़ भी सामने आए हैं। आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, आपके जो लोग हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, ये कैसा आपस में हमांगी कैसी है और कोई मसाइल अगर आपको जिनका सामना करना पड़ा हो? पहले तो मैं एक बात करूं कि दे वर डिटरमिन्ड टू डू इट, जो कि एक अच्छी बात है। नजब साहब से भी मेरी बात हुई, सलमान साहब से जब बात हुई, उन्होंने कहा जी ये होगी, क्योंकि प्रेशर बहुत था, अनाउंस भी कर चुके थे, तीसरी दफ़ा अनाउंसमेंट कर चुके थे, बिग बैश चल रहा था, इंटर यू नो कंट्रीज सीजन चल रहा था, तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं थी। ये बात ठीक बात है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमने एक लिस्ट दी, उसमें उन्होंने उनसे निगोशिएशन की, कोई बिग बैश में बिजी हो गया, कोई अपने चला गया, इंडिया ने श्रीलंका की कॉल कर ली, फिर MCL शुरू हो गया। MCL का भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि MCL में कुछ एक्टिव लोग भी चले गए, तो वो एक डेफिनेटली एक चैलेंज था। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमसे बड़ा ताउन किया। उन्होंने हमें ये कहा कि जी सॉरी, अगर हमारे से कोई कुताही हो गया या गलती हो गया, हम सॉरी, टाइम के कंस्ट्रेंट है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता इस तरह, उनका ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये सक्सेसफुली हो गया। इसके बावजूद के जी हमारा हमसाया मुल्क लिख रहा था पाकिस्तान सट्टा लीग, इस पर एक दफ़ा उंगली नहीं उठाई गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सबसे एक बड़ी कामयाबी ये भी है। कोटा वालों से बात कर लें, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी नदीम उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ। फवाद साहब मेरे साथ स्टूडियोज में। नदीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग अब आप आने वाले दिनों में, आने वाले बरस में कहाँ पर देख रहे हैं और क्या आप भी आखिरी 2-3 हफ्ते में नजर आएंगे दोबारा क्वेटा ग्लेडिएटर्स की सरगर्मियों के साथ, या फिर ये पूरा साल आपने कुछ प्लान कर रखा है कि सुपर लीग खत्म होने के बाद अगले एडिशन तक कुछ ना कुछ जरूर करते रहेंगे? पहले तो राणा साहब को बहुत सलाम। मेरा आई थिंक नहीं, हमने जो काम किया था, पूरे फ्रेंचाइजेस जितने भी काम किया, ये उसकी जिसके पीछे जो सक्सेस थी वो जहाँ तक बोर्ड का वो था, बोर्ड की भी वजह थी और प्लस 5 फ्रेंचाइजी ने मिल के काम किया, जिसकी वजह से एक कोहेसिव यूनिट बन गया। तो मैं समझता हूँ कि आप एक सही बात कह रहे हैं कि इस पर इसको डाई डाउन नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन इधर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसी
एक्टिविटी चलती रहे, जिससे ये एक लॉन्ग टर्म इसको शेल्फ लाइफ, ऐसा ना हो कि ये बैकग्राउंड में चली जाए। तो मेरा ख्याल है राणा साहब भी कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे, आपस में कोई मैचेज हो या कोई एग्जीबिशन मैचेज हो, पाकिस्तान में हो, बाहर हो, कोशिश करें कुछ प्लेयर्स को हम यहाँ ला सकते हैं, ऐसे प्रिंस प्लेयर जो यहाँ आना चाहें। लेकिन अभी जैसा आपको पता है सिक्योरिटी का हाल है, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, राणा साहब ने कहा कि इनकी जो टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने इनसे जरूर ये बात की है कि ये जब भी बुलाएंगे वो पाकिस्तान विजिट कर लेंगे। आपने अपने प्लेयर से जो आपकी टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी थे पाकिस्तान दौरे के हवाले से उनसे कोई बातचीत हुई है? और अगर हुई है तो क्या उन्होंने भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो आपकी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं? जी, मेरी उनसे भी बात हुई, बिल्कुल सबने ये कहा कि वो जरूर आएंगे। लेकिन वो थोड़ी सी देखिए, अगर हम लोग इजाजत, वो लोग आना भी चाहें और खुदा न करे यहाँ हालात कुछ गड़बड़ हो तो फिर आइंदा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं सिर्फ समझता हूँ कि आपको पहले से फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन उन्होंने, हमारी टीम ने भी और मेरे ख्याल सारी फ्रेंचाइज टीम को इतना अच्छा माहौल मिला कि वो जरूर आना चाहेंगे, पाकिस्तान भी आना चाहेंगे। लेकिन हमें अपनी तरफ से इंश्योर करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी अच्छी हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब, आपने अपना वक्त दिया, बैरून मुल्क से आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। फवाद साहब, जहाँ तक ताल्लुक अब आपकी टीम पाकिस्तान सुपर लीग का बोर्ड की, आपने कहा कि वो बड़े पुरअज़्म थे कि वो ये कर लेंगे, अब PSL ख़त्म होने के बाद गो कि हम फौरन एशिया कप में हार गए, वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में हम हार गए, वो पसे पर्दा चली गई, एक PSL की जो एक्टिविटी थी वो पसे पर्दा चली गई, तो बोर्ड के साथ आपकी कोई इस हवाले से बातचीत हुई है कि इसको दोबारा बहाल कैसे करना है, कैसे लोगों के सामने लाना है और आइंदा बरस के लिए क्या प्लान करना है, किस तरह से करना है, पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान से बाहर करना है, किस विंडो में करना है, इसका दौरानिया क्या होना चाहिए, ये फरवरी में होगी, मार्च में होगी, जनवरी में होगी, मतलब एक आपको और 6 माह पहले पता चल जाए कि हम इस जगह पर इन दिनों में कर रहे हैं तो प्लानिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मेरी पहले तो मतलब नदीम साहब को ग्रेट गाय, मैं आपको बताऊँ, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम, इट्स सच अ ग्रेट नॉलेज अबाउट क्रिकेट, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है और जो उन्होंने मुझे गाइड किया, बट इज अ लवली लवली पर्सन। ये जितने फ्रेंचाइज ओनर है, आप यकीन करें, वी आर पावन पाकिस्तान ब्लेस्ड टू हैव देम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने डेफिनेटली, मैं आपके फोरम पे भी मैंने बात उठाई है, मैंने बोर्ड से भी कहा है ये कि हमें मैचेस करने चाहिए, हमें इसको लाइव करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, और आई एम श्योर वो भी कर रहे होंगे। और जैसे जावेद भाई ने कहा कि शायद जावेद भाई इनिशिएटिव लेंगे कि हम पांचों मिलें और हम अपने तौर पे कोई टूर्नामेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या कुछ करें, और जैसे अंडर 19 की कोई टीम क्रिएट की जाए, तो ये भी सारे रॉ आइडियाज़ हैं। मेरा ख्याल है हम जब पांचों फ्रेंचाइज मिलेंगे तो यकीनन जिस तरह की कमिटमेंट है सारों की, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी पॉजिटिविटी आएगी और इंशाल्लाह आगे क्रिकेट चलेगी और इंशाल्लाह आगे लोग निकलेंगे। अच्छा फवाद साहब, अगर हम इसके मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं, आइंदा बरसों के हवाले से बात करते हैं, तो ये जो एक पिछले जो पहला एडिशन हुआ वो ज़रा, जैसा कि आपने भी कहा, जावेद साहब ने भी कहा कि बड़े बहुत मुख्तसर वक्त मिला है हमें, तो इसके ऊपर आप कुछ फोकस आपने रखा हुआ है कि हमें कम से कम कुछ 3-4-5 माह पहले पता चल जाए ताकि हम उसको अपनी तैयारियां अच्छे तरीके से कर लें, उसकी मार्केटिंग ब्रांड जो आपने मार्केट में छोड़ना है उसको अच्छे तरीके से कर लें, कुछ इस पर बात हुई भी है या नहीं हुई? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। हाँ, अब जिस तरह क्रिस गेल रात को मैच था सुबह पहुँचा था, ठीक है, मतलब इस तरह अजंता मेंडिस एक दिन बाद पहुँचा था, तो जाहिर है दे वर नॉट प्रिपेयर 24 घंटे की फ्लाइट करके। मेरा ख्याल है कि हम डेफिनेटली इस पे आगे काम करेंगे और सारे फ्रेंचाइज मिलके कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, और अभी PCB इज वेरी कोऑपरेटिव विद अस, PSL की मैनेजमेंट इज वेरी कोऑपरेटिव विद अस, चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं, ब्रांड इतना बड़ा बन गया है PSL, मेरा ख्याल है अब हम इसको बड़ा प्रोफेशनली प्रॉपरली लेके चलेंगे। लोगों ने ये भी बात की कि शायद आप की टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, आप अपनी टीम कॉम्बिनेशन से मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन हूँ, पहली टीम है जिसने 200 रन टच किए, पहली टीम है जिसने हमेशा 150 अपार्ट फ्रॉम टू मैचेस 150 प्लस किया। इंडिया जैसी बड़ी टीम हार गई है ड्यू की वजह से, तो आप मुझे कुछ तो मार्जिन दें कि मैंने 7 टॉस हारी, मैंने 8 में से 7 टॉस हारी। तो अच्छा, दूसरी बात कप्तानी के ऊपर, आपकी टीम की कप्तानी के ऊपर, कि अजहर अली कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं है T20 फॉर्मेट की कप्तानी के लिए, आपके कोच के इसके इस बारे में क्या कहना है,
और आप खुद किस तरह से देख रहे हैं इसको? आई विश कि मैं कोच की जो रिकमेंडेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अजहर इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, इज अ एक्सीलेंट वंडरफुल पर्सन। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उनसे कलंदर की फिलॉसफी पे बात की है, मैंने सब कुछ किया है। हमें आप ये देखें कि प्रॉब्ली ही इज 12th or 13th बेस्ट प्लेयर ऑफ PSL। ये लोगों ने रजिस्टर नहीं किया क्योंकि उनकी कप्तानी पे ज़्यादा फोकस था। आपने ये देखा है कि अब जो T20 है, जो आज से 9 साल पहले T20, 9 years back जो T20 चल रही थी, उस T20 में आज चेंज आ गया, लर्निंग आ रही है। हर दिन लोग सीख रहे हैं कि क्या इसमें सिर्फ ठुल्ले वाले चलेंगे, वो चलेंगे जिन्होंने बल्ला कंधे पर रखा और चलना शुरू हो गए, या प्रॉपर बैट्समैन आएंगे। कोहली प्रॉपर बैट्समैन है, सारे मैचेस उसने हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, आप टॉप क्रिकेटर्स हम देख लें। अजहर टेक्निकली इज द मोस्ट करेक्ट पर्सन, मोस्ट करेक्ट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, चूंकि हमने एक आखिरी दिनों में उनको कप्तान बनाया और हमने उनको ये टाइम नहीं दिया कि वो टीम के साथ जेल कर सके, टीम को अपने साथ लेके चल सकें। डे टू डे अफेयर था, आज ये करना है, कल ये करना है। फिर नए लोग थे, नए प्लेयर थे, नया फॉर्मेट था, ठीक है। लेकिन प्राइड है पाकिस्तान की, नेशनल टीम का कैप्टन है, तो मैं एक नेशनल टीम के कैप्टन को क्यों ना अपना लूँ। फिर वो लाहौर के हैं, मैं लाहौर का हूँ, मैं लाहौर के ब्रांड को लेके चलूँगा। और मैं तो इसलिए बड़ा क्लियर हूँ कि अजहर वॉज द ग्रेट चॉइस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, आप तशरीफ लाए। हमारी तमन्नाएं, दुआएं, ख्वाहिशात आपके साथ हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हैं, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को वो तमाम फवायद मिलें, वो तमाम अच्छी चीज़ें आपकी वसातत से पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स तक, पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के जो मकामी कोचेज़ हैं उन तक पहुँचें, और पाकिस्तान क्रिकेट को हीरोज़ मिलें जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग आने वाले दिनों में फले फूले, फ़रोग पाए, तरक्की करे, और ये इतनी कामयाब हो, इसकी इंतज़ामिया इतनी कामयाब हो, इसके इंतजामी मामला इतने कामयाब हों कि उसका दबाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पेशावराना अंदाज में, जो कि अब चल रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर पेशावराना अंदाज में चलाने के लिए काम करे, और पाकिस्तान में क्रिकेट जो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, लिखने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में, वो आने वाले दिनों में उस बुलंदियों पर नज़र आए जिसका टैलेंट पाकिस्तान के खिलाड़ियों में और क्रिकेटर्स में है, उससे हकीकी मानों में इस्तफादा करके पाकिस्तान की टीम की जो रैंकिंग इस वक्त नीचे है, ये बतदरीज जैसे नीचे आई है, जब ये ऊपर जाए तो फौरन जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।